नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मीटर की कुछ जानकारी देंगे। जो हमारी स्पीड मीटर होती है वो चल नहीं रही है, जो किलोमीटर दिखाती है ना, तो वो बाइक है। वो समस्या ये है कि उसमें जो किलोमीटर की सुई होती है वो चल नहीं रही है, जो स्पीड मीटर दिखाती है तो वो चल नहीं रही है। तो चलिए देखते हैं क्या समस्या है बाइक में, वो क्यों नहीं चल रही है। तो पूरे प्रोसेस देखिए, आपको हम बताते हैं कि नहीं चलेगी तो क्या क्या करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए मीटर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आपके पास चाहे बाइक कोई भी हो, अगर ये कनेक्शन मीटर का कनेक्शन आगे फ्रंट और चक्का से है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो जैसे कि मीटर नहीं चल रहा है, जो स्पीड मीटर है ये कांटा ऊपर नहीं जा रहा है। इसमें 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की होती है, 1 स्पीड की होती है। तो ये कांटा है और तो कांटा ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये नंबर जो दिखा रहा है वो किलोमीटर की है। तो कभी कभी किलोमीटर की नहीं चलती है, तो समझिए किलोमीटर की नहीं चल रही है तो पूरा मशीन इसका ख़राब हुआ है। अगर ये कांटा ऊपर नहीं जा रहा है तो इसमें स्पीड का ये वायर चेक करना पड़ेगा, वायर और इसके मीटर जो पिनियन गरारी होता है उसको देख लेंगे। तो 2 चीज़ इसमें ख़राब हो सकती है, या तो ये मीटर वायर ख़राब हो सकता है, या उसके अंदर तार ख़राब हो सकता है, या तो उसके अंदर की गरारी। तो ये चक्का नचाने पर जो मीटर की सुई ऊपर जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है, स्पीड मीटर। तो इसमें चलिए देखते हैं क्या समस्या है, इसमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले ये स्क्रू ड्राइवर है जो पेचकश, उसे डालकर और पीछे की तरफ पुश करेंगे, निकल जाएगा ये। तो ये मीटर का जो वायर है इसे निकाल लेंगे, तो पुश करके इसे निकाल लेना है बाहर। तो ये लॉक है, लॉक खुल जाता है वहाँ से, और बाहर निकाल लेंगे केबल को। तो ये मीटर का केबल है जो निकल गया बाहर, ये देख सकते हैं यहाँ तार लगा रहता है, ये ही घूमता है, ये घूमता है तभी स्पीड मीटर चलती है। तो देख लेंगे ये तार को खींच के बाहर, देख लेंगे टूटा तो नहीं है, और इसके अंदर जो गरारी लगा रहता है, इसके अंदर गरारी उसको भी देख लेंगे कि ये ख़राब तो नहीं है। तो चक्का को पहले घुमाएँगे, पहले नचा लेंगे चक्का को, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर की गरारी काम करता है कि नहीं करता है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चक्का को घुमा कर देखेंगे तो इसके अंदर की गरारी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो देख सकते हैं इसके अंदर की गरारी चल रही है, इसका मतलब ये ख़राब नहीं है, ये सही है। तो इसको अगर ये नाचेगी नहीं, ये चलेगी नहीं, तो समझिए गरारी ख़राब है। और यदि ये चले तो समझिए मेरा वायर में कुछ गड़बड़ है, वायर में टूट सकती है, ये वायर टूटा हुआ है या वायर जाम है। तो ये गरारी तो मेरा ठीक है, अब इसके तार को खींच के देखेंगे, ये तो नहीं टूटा है, तो इसके खींच कर देखेंगे तो ये देखिए टूटा हुआ है, ये तार टूटा हुआ है, ये ऊपर से टूट गया है, ऊपर साइड में टूट गया है, जो यहाँ पे लगाते हैं वाइजर में ऊपर, जो पेचकश टाइट करते हैं वहाँ से टूट गया है। तो ऐसे में 2 तरीका आज देख सकते हैं। तो अलग से अगर तार आपको मिल जाए अलग से, ये 20-30 रुपये की आती है, तो इसे लगा लेंगे, तार को लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है कि तार जाम हो जाता है, जाम हो जाने पर दिक्कत होगी, तो आप सेट ही लगा सकते हैं पूरे वायर सेट को। अगर तार मिल जाए तो आप तार ही सिर्फ लगा दें तो भी काम करेगा। तो तार जो टूटती है केबल की वजह से टूटता है, ये जो केबल है उसके अंदर जंग कभी लग जाता है तो क्या होती है, उसमें तारें जाम हो जाती है तो टूट जाती हैं। तो कभी अगर वो ख़राब हो गया है पूरे अच्छे तरीके से जो केबल है, तो उसे नया सेट ही लगा दें तो बेहतर होता है, नया लगा दें तो अच्छा है। तो ये पूरा वाइजर खोलकर और केबल को चेंज कर लेते हैं। तो इसका जो वायर है ये जाम है, तो चलिए ये स्क्रू है, स्क्रू को खोल लेंगे, खोलने के बाद वाइजर को पूरा खोलकर नया लगाएंगे। ये तार मेरा, ये पूरा वाइजर खुल गया, तो वाइजर को खोलना पड़ेगा। तो खोलने के बाद यहाँ पे हम न्यू असेंबल करेंगे, क्योंकि वो तार जाम था। तो यहाँ पिलास से देख सकते हैं यहाँ पे टूटा हुआ है, तो देख सकते हैं ये टूटा हुआ है। तो ये टूट गया है इसे, तो आप इसे तार अगर मिल जाए मार्केट में तो आप तार को ही लगा दें। अगर मीटर आपकी जाम पड़ जाए, ये तार ना निकले बाहर, तो आपको पूरा वायर सेट लगाना पड़ेगा। तो ये वायर सेट ही लगाएंगे हम, क्योंकि वो जाम हो चुका था, उसमें जंग लग गया था, वायर डालते फिर ख़राब हो जाती। तो आप केबल को नया लगा दिए, हम लगा दे रहे हैं, तो इस केबल को वहाँ पे टाइट कर देंगे ऊपर वाइजर में, उसके बाद चक्का में लगा देंगे।
फिर चक्का में पूछ करके अच्छे से लगा देंगे, और चक्का घुमाकर लगाना, इस तरीके से नचा लेना है, उसके बाद अंदर की तरफ पूछ कर देना है। अब अच्छे से लॉक हो जाएगा, उसके बाद चलिए नचा कर देख लेते हैं मीटर काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ये मीटर चलने लगा, काम कर रहा है, ये सुई देखिए ऊपर की तरफ जा रही है फिर वापस।